कॉलोनाइजर को अब कॉलोनी से मतलब नहीं, नगरपालिका भी नहीं दे रही ध्यान। शारदा कॉलोनी की महिलाएं फिर पहुंची जनसुनवाई। सरदार पटेल वार्ड के शारदा कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने आप को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बार बार अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर कॉलोनी की महिलाओं ने आवेदन दिया है। महिलाओं का कहना है कि शारदा कॉलोनी में फ्लैट बिक्रय के समय कॉलोनाइजर ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सड़क और पानी निकासी की व्यवस्था 15 साल बाद भी नहीं हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शारदा कॉलोनी बिंजिया वार्ड नंबर 15 से आए हुए हैं। सभी लोग अपनी कॉलोनी की रोड की समस्या को लेकर आए हुए हैं। क्या समस्या आ रही रोड में? सर, हमारी रोड जो है पूरी गड्ढों से भरी पड़ी है। कच्ची रोड है, वो पूरे गड्ढे हैं, उनकी कोई भरवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने आने में, पैदल चलने वालों को, राहगीरों को, सबको दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऑटो वाले भी नहीं आते हैं, मैजिक वाले भी नहीं आते, वैन वाले भी नहीं आते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों। ये समस्याएं कब से चल रहा है? इससे पहले कहीं शिकायत की है क्या? हाँ, नगर पालिका हमने 9 जुलाई को की थी, उनने कोई सुनवाई नहीं की। बोले क्या 10 तारीख से गड्ढे भर दिए जाएंगे, 10 जुलाई से लेकर जब तक 23 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 23 जुलाई की जन सुनवाई में भी आए थे यहाँ पर, तो प्रभारी कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को आदेश दिया था गड्ढे भरवाने का, पर उनने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक की डेट में कोई गड्ढे नहीं भरे गए हैं, इसलिए आज हम फिर यहाँ पर उपस्थित हैं। आज क्या बोला गया? आज फिर से बोला गया है, सीएमओ साहब को आदेश दिया गया है कि आप जाकर वहाँ पर रोड के गड्ढे भरवाएं।